Hello everyone, welcome back to my channel Edu to Fly. In this video we are going to study time value of money. So let us start with the topic. In the previous video we studied the introduction of financial management, and we did discuss the decisions, three decisions which are necessary in whole financial management. Okay, so here we are going to study time value of money, and this chapter is the base of whole financial management, so it is very important. So time value of money itself is a very central concept to the central to the concept of finance, because हमें यहाँ पे पता चलता है कि time जो money की value है it varies across the different points of time, and also money जो है वो बहुत ही relative term है, क्योंकि ये productive use भी हम इसका कर सकते हैं, हम इसको reinvest कर सकते हैं, return कमा सकते हैं. So इसकी जो value है that depends on whether it is received or whether it is paid. So यहाँ पे Gordon नाम के एक financial analyst ने एक argument दी थी, bird in hand argument जिसे हम कहते हैं, bird in hand argument. Okay, so अब इसको देखते हैं bird in hand argument क्या है. सो बर्ड इन हैंड आर्ग्यूमेंट क्या होता है कि अगर मेरे पास एक बर्ड हाथ में है फिलहाल, तो ये जो बर्ड है ये मनी को सिग्निफाई करती है, या ये अभी रिटर्न्स को डिविडेंड्स को सिग्निफाई करती है. ठीक है, तो अगर मेरे पास आज कुछ हाथ में पैसा है, ठीक है, तो मैं उसको ज्यादा प्रेफर करूंगी देन फ्यूचर वैल्यू. ठीक है, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि अभी का जो मेरे पास अमाउंट है उससे मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, उससे मेरे पास परचेजिंग पावर होती है, उससे री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मेरे पास बढ़ जाती है. तो उससे हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को प्रेफर क्यों करते हैं. बिकॉज फ्यूचर अनसर्टेन है, हमें नहीं पता कि फ्यूचर में नियर फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो हम एज्यूम करके चलते हैं कि अभी मेरे पास जो अमाउंट होगा वो बेस्ट है मेरे लिए. एंड यहाँ पे मैं ये भी देख सकती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक डेटर था, ठीक है, डेटर मेरा नियर फ्यूचर में इंसॉल्वेंट हो गया, तो मैं क्या देखूंगी कि नहीं मेरे को अभी पैसे दो, फ्यूचर का कुछ चक्कर नहीं, मुझे अभी पैसे दो, फ्यूचर अनसर्टेन है. नेक्स्ट इज द प्रेजेंट कंजम्पशन, क्योंकि जो मनी है उसकी परचेजिंग पावर, जो आज मेरे पास मनी है उसकी परचेजिंग पावर ज्यादा होती है देन जो मेरे पास 2 साल बाद होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम बात करते हैं इन्फ्लेशन की. ठीक है, इन्फ्लेशन की वजह से मनी की परचेजिंग पावर जो है वो कम होती जा रही है. री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में यह है कि आज अगर मेरे पास पैसे हैं तो मैं उसको इन्वेस्ट कर सकती हूँ कहीं पे भी, इन्वेस्ट करके उससे क्या अर्न कर सकती हूँ, रिटर्न अर्न कर सकती हूँ. ओके, नेक्स्ट टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हमें बहुत ही मेन 2 कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ने हैं. वन इज कंपाउंडिंग एंड अदर वन इज द डिस्काउंटिंग. तो ये जो कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग टेक्निक है, यहाँ से मैं मनी की अलग अलग वैल्यूज का पता लगा सकती हूँ बेस्ड ऑन कि मुझे एक वैल्यू पता है, या तो फ्यूचर वैल्यू पता है, या तो मुझे प्रेजेंट वैल्यू पता है मनी की कि अभी कितनी वैल्यू होगी, एंड उसके अलावा मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एंड नंबर ऑफ ईयर्स मुझे पता है. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास 2 चीजें मेन है, कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो. जो ये कैश इनफ्लो होता है और आउटफ्लो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम यहाँ पे देखते हैं कैश आउटफ्लो. तो कैश आउटफ्लो हो सकता है कि मैंने किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है, या मैंने कोई मशीनरी परचेज की है, तो जो मेरा कैश गया है दैट इज कैश आउटफ्लो. और इसको आउटफ्लो को करने की वजह से मेरे पास कैसे कैसे रिटर्न्स आ रहे हैं हर साल, तो उसको मैं देख कहती हूँ इनफ्लोस. कंपाउंडिंग टेक्निक की बात करते हैं, तो कंपाउंडिंग में यहाँ से मैं किसी भी प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू तक जा सकती हूँ. अभी फॉर एग्जांपल मेरे पास 1000 रुपीज है, तो मैं ये देख सकती हूँ कि अगर मैं इसको इन्वेस्ट कर रही हूँ एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट और 3 साल के लिए इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो इसकी 3 साल बाद फ्यूचर वैल्यू क्या होगी. ऐसे ही डिस्काउंटिंग टेक्निक में भी यही होता है, बट थोड़ा उल्टा, क्योंकि यहाँ से हम फ्यूचर वैल्यू जो है उससे प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं. अब जब भी हम कंपाउंडिंग टेक्निक लगाते हैं, हमें ध्यान रखना है, हमें एक टेबल प्रोवाइड की गई है, दैट इज कंपाउंडिंग वैल्यू फैक्टर टेबल, और एक होती है CVAF. ओके, यहाँ पे डिस्काउंटिंग के लिए वी हैव 2 टेबल्स, PVF एंड PVAF.
और ये जो टेबल्स हैं ऑलरेडी हमें एग्जाम में प्रोवाइड की जाएंगी, लेकिन उसके अलावा भी हम अगर फॉर सेफ साइड हम कैलकुलेटर में भी इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी वीडियोस हैं, यू कैन गो एंड वॉच। बहुत ही आसान तरीका है इन वैल्यूज को कैलकुलेट करने का, बहुत ही सिंपल ट्रिक्स है। सबसे पहले हम आते हैं कंपाउंडिंग टेक्निक पे। तो कंपाउंडिंग टेक्निक हमें क्या बताती है कि कैसे हम प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं फ्यूचर वैल्यू, सपोज हमें कैलकुलेट करनी है सिंगल अमाउंट की, तो उसके लिए थोड़ा अलग फॉर्मूला है। और हमें कैलकुलेट करनी है फ्यूचर वैल्यू ऑफ सीरीज ऑफ मनी, ठीक है, सीरीज ऑफ कैश इनफ्लोज। तो अगर हम सिंगल अमाउंट की बात करते हैं, तो ये जो सिंगल अमाउंट है, इस हो सकता है मेरे पास 1000 रुपीज है या 2000 रुपीज है। और उसके अलावा यहाँ पे ये भी देखा जाता है कि जो सिंगल अमाउंट है ना, उस पे हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होता है। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है हमारे पास, हो सकता है वो पर एनम हो सकता है वो सेमी एनुअली हो। तो यहाँ पे हम दो केसेस पढ़ते हैं। केस वन में हमारे पास होता है कि एनुअल कंपाउंडिंग हम कर रहे हैं किसी चीज की, ठीक है। अगर हम एनुअल कंपाउंडिंग कर रहे हैं, तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या लिखा होगा, 1% पर एनम समथिंग लाइक दिस। तो एनुअली कंपाउंडिंग ऐसे भी लिखा होता है। तो एनुअल कंपाउंडिंग में हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू कंपाउंडिंग वैल्यू फैक्टर। अब ये जो कंपाउंडिंग वैल्यू फैक्टर है, उसको हम रेट ऑफ इंटरेस्ट और नंबर ऑफ इयर्स के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं फ्रॉम द टेबल। जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तब आपको आराम से समझा दूंगी मैं ये चीज, ठीक है। उसके अलावा एनुअल कंपाउंडिंग हो गया। नेक्स्ट केस होता है हमारा नॉन एनुअल कंपाउंडिंग। जो नॉन एनुअल कंपाउंडिंग होता है, उसमें हम पूरे साल को डिवाइड करते हैं कुछ नंबर ऑफ पीरियड्स बेस्ड ऑन कि हमें कैसे कंपाउंडिंग दी गई है। तो अगर हम बात करते हैं कंपाउंडेड हमारा सेमी एनुअली है, तो हमारे पास कितने पीरियड्स हो जाएंगे, साल को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया। अगर इफ इट इज गिवन क्वार्टरली देन 4, मंथली गिवन है तो व्हाट वी विल डू 12, एंड डेली गिवन है तो 365। ओके, यहाँ पे भी फॉर्मूला हमारा बिल्कुल सेम रहता है। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू सीवीएफ, रेट ऑफ इंटरेस्ट और नंबर ऑफ इयर्स। बट क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा डिफरेंट है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको डिवाइड करते हैं एम से। यहाँ पे क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 + R / m, m इंटू m, ठीक है। या फिर हम देख सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू इंटू जो सीवीएफ है, उसमें हम जो रेट है उसको डिवाइड करते हैं m से। m क्या है हमारा, ये नंबर ऑफ पीरियड्स ओनली। ओके, और जो इयर्स है उसको हम क्या लिखेंगे, m इंटू n। नाउ अगर हम बात करते हैं सीरीज ऑफ कैश फ्लोज की, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है एन्युइटी का। तो एन्युइटी का कॉन्सेप्ट जो होता है, उसमें हम कंपाउंडिंग वैल्यू फैक्टर की जगह दूसरी टेबल यूज करते हैं, जिसे हम कहते हैं कंपाउंडिंग वैल्यू ऑफ एनुअल फैक्टर, एनुइटी फैक्टर। यहाँ पे हम यूज करते हैं सीवीएएफ की टेबल। तो यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू इंटू सीवीएएफ, और ये डिपेंड करेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट और नंबर ऑफ इयर्स पे। उसके अलावा भी एक कॉन्सेप्ट होता है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का, ठीक है। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास क्या होता है, एक ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि इक्विवेलेंट होता है उस रेट ऑफ इंटरेस्ट के, अगर हम पर एनुअल या फिर कंपाउंडिंग कर रहे हैं एनुअली, ठीक है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है 1 + RE इज इक्वल टू 1 + R / m होल पावर m। तो यहाँ पे हम क्या अज्यूम करते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एनुअल कंपाउंडिंग वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इक्विवेलेंट होगा एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडिंग मोर देन वंस पर ईयर। मोर देन वंस सेमी सेमी एनुअली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, मंथली हो सकता है, डेली भी हो सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट कंपाउंडिंग। नेक्स्ट इज द डिस्काउंटिंग। तो डिस्काउंटिंग में भी कुछ ऐसा ही है,
हम यहाँ पे बस फर्क क्या है, फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, लेट सपोज कि मुझे 5 साल बाद ना 5 लाख रुपीज मिलने वाले हैं। अब ये जो 5 लाख मुझे मिले हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10% और 5 साल बाद मुझे ये मिला, तो मैंने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया होगा, क्या प्रेजेंट वैल्यू थी इसकी। तो उस प्रेजेंट वैल्यू को निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला होता है फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस r की पावर n, या फिर हम इसको लिख सकते हैं फ्यूचर वैल्यू इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, जो कि हम देखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट और नंबर ऑफ ईयर्स के हिसाब से। अब यहाँ पे जैसे हमने कंपाउंडिंग टेक्निक में किया था कि सिंगल अमाउंट के लिए फॉर्मूला थोड़ा अलग था और एनुइटी के लिए फॉर्मूला अलग, तो अगर मैं बात करती हूँ सिंगल अमाउंट की तो ये फॉर्मूला हमारे पास आएगा, और एनुइटी की बात करती हूँ तो हमारे पास टेबल क्या हो जाएगी, फ्यूचर वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे प्रेजेंट वैल्यू एनुइटी फैक्टर से। यही फर्क है बस, और कुछ भी नहीं है। तो बहुत ही अगर प्रैक्टिस करोगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस यहाँ पे होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी यही है कि हम इसके न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।